नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव खासा पठाना में एक बाइक सवार कुछ बदमाशों द्वारा गोलियों से भून करके एक शख्स की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। मृतक शख्स का भाई गांव खासा पठाना का सरपंच रह चुका है और शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। घटना को अंजाम उस समय दिया गया जब वारदात का शिकार हुआ शख्स पंकज रहा अपने पिता के साथ भूना शहर से अपने गाँव खासा पठाना जा रहा था, जहां पर गांव के पास ही पंकज को गोलियों से भून दिया गया। फिल्मी स्टार में अंजाम दी गई इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी करती रही। पुलिस ने आज मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाया गया। डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव खासा पठाना के सोमनाथ ने शिकायत देकर के पुलिस को बताया है कि बेटे पंकज को 2 से 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गांव खासा पठाना के एरिया में गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने मामले में बयान दर्ज करके 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की जाँच के लिए CIA स्टाफ की टीम के साथ कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस द्वारा दर्ज FIR में मृतक पंकज निवासी खासा पठाना के पिता सोमनाथ ने बताया कि वह अपने बेटे पंकज के साथ देर शाम को भुना से गाड़ी पर सवार होकर के आ रहा था। रास्ते में ढाणी सांचला के रोड पर अचानक गाड़ी के नज़दीक आए और कुछ टायरों की हवा निकालने की वजह पूछी गई तो बेटा पंकज ने नीचे उतर कर और गाड़ी के टायर चेक करने लगा। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवकों ने नीचे आकर के उसे गाली गलौज कर दी, जिसके बाद अचानक झगड़ा बढ़ गया और पिस्तौल निकाल करके फायर कर दिया गया। फायर होने के बाद मेरा बेटा खाली पड़े प्लाट से होते हुए खेतों की तरफ भागने लगा, जिसके बाद आरोपियों ने पीछा करके उसे गोलियां मार दी। हमले के बाद बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए और शोर मचाने से आसपास के गाँव और ढाणियों के लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पंकज को भुना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। सोमनाथ की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात 3 व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 302 और 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। हमारे पास सोमनाथ सूचना दी है कि उसके लड़के पंकज को 2-3 लड़कों द्वारा खासा पठाना एरिया में ही गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनकी तलाश की मिट्टी में बना दी। अभी तक कोई नाम सामने आए हैं सर? नहीं, अभी तक तो अज्ञात ही हैं, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया गया, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीमें बना दी गई CIA की सहायता से।